बच्चों के ऊपर लैंगिक अत्याचार, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति अज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन, ये बहुत ही कॉमन आजकल हुआ है। लोग कंप्लेन करते थे, बच्चे भी कंप्लेन करते रहे, ओपनली बोलते रहते हैं, और बड़े लोग बच्चों का उनकी सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए वापर कर लेते हैं। थोड़ा वो एबनॉर्मल भी है ना, बच्चों के साथ में सेक्स लाइफ में एंजॉय होना, मतलब एंजॉय करना, सेक्स लाइफ एंजॉय करना या स्टिमुलेशन लेना एबनॉर्मल भी, मगर लोग करते हैं वैसे। ऐसा पाया गया एक स्टडी में कि 19.7% लड़कियां और 7.9% लड़के, इन्होंने बोला कि हमारे ऊपर लैंगिक अत्याचार हुआ है। और ये लैंगिक अत्याचार कौन करता है? लैंगिक अत्याचार एकदम ही क्लोज वाले लोग ही पहले करने वाले लोग रहते हैं। मतलब एक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि 30% लोग जो है लैंगिक अत्याचार करने वाले, वो घर के रहते हैं। घर के मतलब अंकल्स, मैटरनल अंकल, पैटरनल अंकल, भाई, कजिन, सगे भाई, सगा कजिन, पिताजी, मतलब ऐसे लोग हैं, ग्रैंडफादर, ऐसे लोग करते रहते हैं। 60%, 60% लोग जो है वो बाजू वाले रहते हैं, पड़ोसी, पहचान वाले लोग, जो आना जाना घर में रहता है उनका, वो लोग से 60% लोग ऐसा अत्याचार करने वाले। और 10% लोग हैं वो एकदम बाहर के हैं, मतलब एकदम अलग है कि जो पहचानते नहीं जिनको हम, ऐसे लोग रहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि बड़े लोग उनकी सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए बच्चों का वापर करते हैं। बच्चों के सामने नग्न होना, बच्चों को नग्न करना, खुद के अवयवों को बच्चों को पकड़ने के लिए बोलना या बच्चों के अवयव पकड़ना, हस्तमैथुन करवा के लेना, या बच्चों के बदन के ऊपर अपने लैंगिक अवयव घुमाना, उनके बदन के ऊपर हाथ घुमाना, ऐसे अलग अलग तरह के स्टिमुलेशन जो है वो करवा के लेते हैं या करते हैं। इसमें होता क्या है कि एक तो बच्चों को बहुत बड़ा शौक लग जाता कि अरे क्या हो गया, वो तो एंजॉय करते नहीं है मगर उनको एक शौक लगता है कि कुछ तो भी भयंकर हुआ है। वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और फिर वो उनको समझता नहीं क्या है क्या नहीं, उनको ट्रॉमा बैठ जाता है। तो बड़े होने के बाद में उनको एक बीमारी जो होती है, जो दिखती है बड़े होने के बाद में, वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्पेशली अराउंड सेक्स, पता लगता नहीं कि ऐसा क्यों हो गया। जैसे एक बड़ी लड़की मेरे पास में, उसको पिताजी ने, माँ ने लाया और उनको पूछा कि भाई ये मतलब इसलिए लाया कि वो शादी करने को तैयार नहीं थी, उसको सेक्स के प्रति घृणा थी। जब पूछा तो फिर उसने धीरे 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 वो बोलते गए, खुलते गए। बाद में मालूम पड़ा कि उसके मैटरनल अंकल ने उसके ऊपर अत्याचार किया था, 4-5 बार किया, और वहां से उसको एक मतलब घिन बैठ गई कि नहीं भाई ये सेक्स बंदा है, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। और तब से वो लोगों को हेट करती गई और आदमी लोग उसको अच्छे नहीं लगते थे, ऐसा लोगों के ऊपर हो जाता है। एक बच्चे को मेरे पास में लाया, होमोसेक्सुअल था, उसको पूछा कब से चालू हो गया, तो बचपन में बोले मेरे घर की मतलब उसके घर के रिलेटिव जो थे वो उसके साथ में सेक्स करते थे और होमोसेक्सुअल के लिए उसको उद्युक्त करते थे वो लड़के को, और उसको होमोसेक्सुअल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व कर लेते थे। धीरे 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 बार बार करते करते उसको उसकी आदत लग गई और वो होमोसेक्सुअल बन गया। तो ऐसे प्रॉब्लम बड़े होने के बाद में होते, बड़े होने के बाद में उनको अकेलापन महसूस होता है, सेक्स के प्रति घृणा रहती है, या एक तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली वो एक्साइटेड हो सकते हैं और फिर निम्फोमैनिक बन सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सेक्स ये लोगों में हो सकता है, या एकदम सेक्स गायब हो जाता है। फिर हमको समझता नहीं कि इनको सेक्स में इंटरेस्ट ही क्यों नहीं। कितने सारे कपल्स मेरे पास में आते हैं, बोलते कि नहीं सेक्स में इंटरेस्ट ही नहीं, बच्चे हो गया, बहुत हो गया, पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं करते थे हम और अभी भी नहीं कर रहे, इच्छा भी नहीं होती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, मगर बचपन में ऐसा कुछ तो भी हुआ रहता है जिसके वजह से उनको वो सेक्स की इच्छा नहीं रहती। बच्चे माँ बाप को बोलते हैं, लड़कियां या लड़के बोलते हैं, समझो लड़की माँ को बोलती है कि देखो मेरे अंकल ने ऐसा किया या उसने ऐसा किया, मगर अभी माँ का सगा भाई समझो है और वो ऐसा कर रहा है, तो माँ कुछ बोलती नहीं, उल्टा वो लड़की को अपने बोलते नहीं तू झूठ बोल रही है, तूने ऐसा मत कर, चुप रहे, शांत रहे, ऐसा उसको बोल के उसको चुप बिठा दिए, क्योंकि उसका अपना भाई जो है उसको एक्सपोज नहीं करता, तो इसलिए फिर ऐसे दबा दिया जाता है और फिर वो बोलते भी नहीं बाहर। तो इसमें यह करना चाहिए कि बच्चों के ऊपर विश्वास रखो जब बच्चे ऐसा कुछ बोलते हैं तब, और उनको फिर उस तरह का ट्रीटमेंट देना जरूरी है। यदि वो घबरा गए, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी हो चुकी है या जो भी कुछ प्रॉब्लम बच्चों को, तो उसकी ट्रीटमेंट, और फिर आगे ऐसा नहीं होना चाहिए उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना है तो उसके बारे में देखना होगा। बच्चों को ऐसा प्रशप नहीं करना है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, चल चल अभी वैसा मत कर, तू झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ करने का नहीं है। क्योंकि बड़े होने के बाद में जो मानसिक प्रॉब्लम आते हैं उसका मूल कारण जो रहता है वो बच्चों को उनके बचपन में जो भी सेक्सुअल एब्यूज हुआ है, लैंगिक अत्याचार, उसके वजह से उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं।
ऐसा कुछ नहीं कि सभी इसमें होता है, मगर काफी लोगों में ये मालूम पड़ता है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो। मेरा ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर, तो वहां से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डॉक्टर केळेकर मनोविकास। इसके बारे में कुछ आपको सवाल होंगे तो जरूर नीचे नंबर दिए उसके ऊपर हमको कॉन्टैक्ट करो, आप मुझे कंसल्टेशन कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। और आपको अच्छा लगा तो जरूर इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।